अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस में इसमें लिखो एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ठीक है। इसमें क्या होगा एरोबिक रिस्पिरेशन का नेट साइड ऑफ, इसका साइड जगह क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन ये हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इधर होगा CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, 6 CO2 प्लस 6 H2O। उसके बाद ये इसका हुआ बाय प्रोडक्ट, ये इसका हुआ बाय प्रोडक्ट, और ये हुआ इसका इनर्जी। उसके बाद एनारोबिक रिस्पिरेशन सेकेंड वन, एनारोबिक रिस्पिरेशन ये हो जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और पहले वाला भी लिख देना है, इट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O। वन टू थ्री एंड फोर। अब हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन को देख रहे हैं, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इसका साइट क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, साइटोप्लाज्म ओनली। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन
रिएक्शन क्या होगा? अब ये होगा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन, यहां पर लिखो एनारोबिक रिस्पायरेशन इंक्रीज्ड ये कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। स्टेप्स क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज आएगा किसमें? पाइरूविक, पाइरूविक एसिड में, और पाइरूविक एसिड ये दो मॉलिक्यूल है पाइरूविक एसिड का, इट इज ब्रोकन अंडर टू वर्कर ऑफ इथाइल अल्कोहल। प्लस ये दोनों इसका क्या है बोलना बाय प्रोडक्ट्स, ये दोनों इसका क्या है बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखो एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स, एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल सेल, ये करता है लैक्टिक एसिड फॉर्म्स फर्मेंटेशन, इट इज कॉल्ड ये सेकेंड टाइप का हो गया एनारोबिक का। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसमें क्या होगा? इसके जगह पर खाली, इसके जगह पर खाली हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, और CO2 का क्या हो जाएगा? नो CO, नो CO2। इसका साइट देख लीजिए, तीसरा रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन दोनों तरफ से देख लिए हम लोग, और नेट गेन कितना एटीपी का होगा, बाय प्रोडक्ट भी देख लिए, और नेट गेन एटीपी का कितना होगा? टू एटीपी वन, टू एटीपी वन। अब इतना सारा कुछ देखने के बाद एक क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन अरबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रिस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये टोटल का भी रीजन हिस्सा हो जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन, और ये हो जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन।
इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं। पहले क्या लिखे हैं, डिफरेंस का जो बेसिस होगा मतलब बेसिस होगा O2 रिक्वायरमेंट, O2 रिक्वायर्ड, यहां क्या है, O2 इज रिक्वायर्ड, यहां पर O2 रिक्वायर्ड होगा एरोबिक में, इसलिए ये एरोबिक है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तीसरा, ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या हो जाएगा, इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसका बाय प्रोडक्ट्स क्या होगा, अल्कोहल एंड CO2, ये किसके केस में होगा, जब ईस्ट में होगा, ठीक है। और क्या होगा, लैक्टिक एसिड, ये किसमें होगा, मसल से, उसके बाद होगा नंबर ऑफ एटीपी, एक और देखो फिफ्थ एटीपी, इसमें कितना होगा, 38 एटीपी, और इसमें कितना होगा, जगह नहीं है, 2 ATP,
अब देखो types of respiration on the basis of एक्सटर्नल रिस्पायरेशन उसका इंटरनल रिस्पायरेशन उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन अब देखो एक्सटर्नल ये होता है between organism COX सब किसके बेसिस पर है CO2 एंड O2 के एक्सचेंज के बेसिस पर है ठीक है अब इसको एक पहले डायग्राम ये देख लो पहला क्या हो जाएगा इसको एक डायग्राम इधर बनाते हैं इससे समझ में आएगा ऊपर में लिखे हो ना ठीक है इसको डायग्राम को यहां पर जैसे ये एयर है और ये आदमी का लंग है ये ब्लड वेसल है ये इसका टिश्यू है और ये सेल ये भी सेल ठीक है पहला क्या करेगा एयर से ओ टू ले ओ टू ले ठीक है और एयर को ये सीओ टू ले इसको कहां से शुरू आएगा उसके बाद क्या होता है लंग से ब्लड के बीच में जाता है O2 और लंग से आता है इसमें CO2 ये स्टेप आ जाता है एक्सटर्नल ये अगला स्टेप अब देखो ब्लड से O2 जाएगा सेल O2 और इससे आया CO2 ठीक फाइनल सोर्स क्या हो जाएगा CO2 का ये हो गया सेल ये हो गया एनवायरमेंट हो गया एनवायरमेंट हो गया एनवायरमेंट से कहां गया लंग में
लंग से कहां गया? ब्लड में. ब्लड से कहां गया? सेल और टिश्यू में. और ये जो है यहां तक कहलाएगा. ये जो ब्लड से इसका एक्सचेंज है, दैट स्टेप इज कॉल्ड इंटरनल. दैट स्टेप इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन. और सेल के भीतर क्या होगा? यहां पर देखो जी लिख रहे हैं ग्लूकोज. सेल के भीतर ये होगा, ये सेल बड़ा बड़ा था इनसाइड दी सेल. यहां पर है ये ग्लूकोज. ग्लूकोज से बना ये पाइरूविक एसिड. पाइरूविक और पाइरूविक का चेंजिंग हुआ ये गया माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल ये था साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म था और ये था माइक्रो. खाली माइक्रो नहीं ग्रह समझ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल. और क्रेब्स साइकिल से ये क्या इससे निकलेगा? ये निकलेगा इससे CO2 और निकलेगा इससे H2O और निकलेगा इससे ATP. ठीक है. और ये सेल का ही डायग्राम बनाया थे आपने. ये बड़ा वाला जो बनाया था एक्चुअली ये सेल के इनसाइड का हिस्ट्री क्या होता है ये होता है इनसाइड से. एंड दिस स्टेप ये जो सारा स्टेप एक साथ है दैट इज कॉल्ड थर्ड वन दैट इज सेलुलर. अब हम लोग देखिए यहां पर एक्सटर्नल. हम लोग एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंटरनल में क्या होता था?
exchange of this between blood and सेलर में क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज into CO2 and H2O to release अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एक स्टेप पढ़ेंगे ब्रीदिंग इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एक स्टेप पढ़ेंगे दैट इज ब्रीदिंग This one is breathing. Breathing में क्या होता है Breathing में ये होगा कि वो O2 and CO2 का एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट वन एयर एंड इधर है लंग इसके बीच में होगा O2 का इंटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 दिस कंप्लीट स्टेप इज कॉल्ड ब्रीथिंग दिस कंप्लीट स्टेप इज कॉल्ड ब्रीथिंग ठीक है इसको डिफाइन कैसे करें द प्रोसेस थ्रू विच organism through which organism the process through which organism obtain O2 from air and release CO2 to air is called एनवायरमेंट से CO2 को लिया और O2 को लिया और उसको बाद में रिलीज कर दिया जो CO2 बना था उसको वो रिलीज कर दिया
तो जो ये एक्सचेंज हुआ CO2 एंड O2 का, O2 का इंटेक और CO2 का रिलीज, दिस कंप्लीट स्टेप इज कॉल्ड दिस एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, ये क्या है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ये क्वेश्चन आंसर देखिए, यहां पर है ब्रीदिंग और यहां पर है सेलुलर रिस्पायरेशन। इस डिफरेंस को हम लोग कैसे देखेंगे, ये कैसा है, इट इज एन फिजिकल प्रोसेस, इट इज एन फिजिकल प्रोसेस, ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, इट इज एन फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या है बायो केमिकल रिएक्शन, इट इज एन बायो केमिकल रिएक्शन, ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस, और ये है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन। अब इसमें से कोई एनर्जी नहीं है, इसमें नो एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, इसमें से कोई एटीपी या एनर्जी बनता नहीं, इधर क्या होगा एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, इसमें से एटीपी, उसके बाद है नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, नो एंजाइम्स, कोई इसमें से एंजाइम इन्वॉल्व नहीं आर इन्वॉल्व, इसमें से कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में कोई नहीं, और यहां पर मेनी एंजाइम आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व, मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, ये नो सेलुलर इन्वॉल्वमेंट, कोई सेल नहीं होता, नॉन सेलुलर या
सेलुलर इन्वॉल्वमेंट इसमें से कोई सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और यह है टेक्स प्लेस inside the cell. Takes place inside the cell. देखो तो दो चीज देखते हैं ब्रीदिंग रेट जो है तो कितना बार हम लोग O2 और CO2 का इंटेक और रिलीज करते हैं पर मिनट जो ये वेट होता है दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट ठीक है लेकिन ये देखो दूसरा इन्फेंट और चाइल्ड ब्रीदिंग रेट इज हाई in brisk walking running
exercise. Breathing rate is high. फिर देखते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन लिखो तो विच स्टेप्स विच प्रोसेस हैपेंस विच प्रोसेस हैपेंस During cellular respiration, during cellular respiration, देखो ग्लाइकोलाइसिस बी क्रेब्स साइकिल सी एटीपी फॉर्मेशन यहां पर लिखी है नॉट हैपेंस अब ये देखोगे क्या क्या होगा चलो क्वेश्चन नंबर टू
कॉमन स्टेप दैट प्रेजेंट विथ दैट प्रेजेंट जो दोनों में होता है कॉमन स्टेप दैट प्रेजेंट इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन एक होगा ग्लाइकोलाइसिस दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पाइरूवेट तीसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ enzymes or chautha glycolysis production of pyruvate involvement of enzymes or chautha production of ATP अब यहां पर देखो इसका चॉइस है ए में वन एंड टू बी में चॉइस है वन टू एंड थ्री सी में चॉइस है ओनली टू ओनली एक क्वेश्चन और दो CO2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड
ग्लाइकोलिसिस respiration in two and three A B one two and three CO2 is not produced. ठीक है ना? C one A twice a year. चलिए इसको रहने दीजिए, आज क्लास में नहीं।